हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल आपने देखा होगा बिजनेस चैनल पे, आज भी न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ है एसबीआई के प्रॉफिट के बारे में, वो काफ़ी आपको हर जगह दिख रही होंगी। एसबीआई का भी इस साल का जो प्रॉफिट है मार्च, आपको पता है 31 मार्च 2023 को जो बैलेंस शीट बनती है, उस साल का जो प्रॉफिट है वो है 50,000 करोड़। और जो एस्पेरेंट्स है, जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बैंक में काम कर रहे हैं एसबीआई में, तो ये भी न्यूज़ कल से चल रही थी कि इनको 10 डेज का PLI मिल गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा, सर ये PLI क्या होता है? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो अभी रिसेंटली जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है किसी भी बैंक का, उसमें अगर ग्रोथ दिखाई दे, मान लीजिए 5% तक ग्रोथ है तो कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता है। 5 से 10 के लिए 5% मिलेगा, 10 से 15 के लिए 10% मिलेगा, एंड अबो 15% आपको 15% का परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलेगा। यानी यहाँ पे यानी कि जो आपकी सैलरी होती है उसका कितना मिलता है वो आगे देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है न्यूज़। अगर आप देखेंगे ये है NII, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। अदर इनकम क्या है, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो न्यूज़ है 50,000 करोड़ का, ये न्यूज़ काफ़ी कल और आज आपने न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर में देखा होगा। काफ़ी सारे पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में देखा है। ग्रॉस NPA कितना है, देखो NPA का परसेंटेज ना 3% से कम, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे तो 3% बहुत ही मतलब एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है, क्योंकि SBI वैसे भी बहुत बड़ा बैंक है। अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया स्टॉक प्रॉफिट मेकिंग लिस्टेड फर्म्स, लिस्टेड यानी कि जो किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, रिलायंस, SBI, HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक, कोल इंडिया, HDFC, ये HDFC बैंक है और ये HDFC कॉरपोरेशन है, आपको पता है। इन्फोसिस है, ITC है, कोटक बैंक है, यानी कि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में से सिर्फ SBI का यहाँ पे नाम है। तो चलो आगे देखते हैं इनका डिटेल्ड जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, वो देखेंगे। तो ये देखो, ये है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर दी क्वार्टर एंडेड एंड ईयर एंडेड, ठीक है। आपको पता है लास्ट क्वार्टर एंड होता है और उसी पे आपका फोर्थ क्वार्टर यानी कि ईयर भी एंड हो जाता है। तो ये मैंने दिखाया, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो PLI है उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता है, लेकिन अगर आपको 10% से ऊपर वाला, 15% से ऊपर वाला है, उसमें नेट प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी होना चाहिए तभी वो मिलता है। और ये नेट प्रॉफिट यानी कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, उस केस में वो 10% वाला और 15% यानी कि 10 डेज़ का PLI और 15 डेज़ का PLI वो नहीं मिलता है। तो उसके दोनों कंडीशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए और उस केस में कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये दो सिचुएशन वहाँ पर है, लेकिन इस बार SBI ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये पिछले साल का है और ये साल का, अगर आप देखेंगे तो ये 10% से ज़्यादा है, तो वो 10% का यानी कि 10 डेज का PLI मिला है। PLI यानी कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक प्लस DA दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी बेसिक कितना हुआ, ये है 41,960, ये जो PO ज्वाइन करता है उसका बेसिक है। इसी का 42% निकाल लो, मान लीजिए वो अमाउंट आता है A, फिर उसको आपको 10/30 करना है, 30, कि क्योंकि ये जो है वो महीने का है, 30 दिन पकड़ते हैं और उसको हम 10/30 करेंगे क्योंकि 10 दिन का मिलेगा। तो ये जो अमाउंट आएगा वो आपका रहेगा PO का। क्लर्क का कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये अमाउंट है 19,900, इसी में फिर 42% ऐड कीजिए और फिर मान लीजिए वो अमाउंट, ये अमाउंट आता है B, इसको आप 10/30 कर लीजिए, यानी कि फिर आपको ये जो अमाउंट है ये आपके अकाउंट में जमा होगा। तो ये सारे बैंकों को मिलता है कि ये सारे बैंकों को मिलता है, ये बायोपेटाइट सेटलमेंट जो होता है वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है। तो कुछ बैंकों ने ऑलरेडी दिया है, अभी SBI का नंबर आएगा, जैसे जैसे बैंकों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है उसके बेस पे ये डिसाइड होगा। मैक्सिमम जो मिलता है वो 15 डेज का मिलता है, SBI में 10 डेज का मिला है। मिनिमम जो है मतलब अगर 5% का ग्रोथ नहीं हुआ है तो 0 मिलेगा, 5% से ज़्यादा है तो आपको 5 दिन का PLI मिलेगा। ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है लेकिन मतलब कुछ भी अगर हमें बोनस इंसेंटिव मिलता है तो वो अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बताऊँ कि RBI का जो प्रिपरेशन है ना, उसमें अगर आप एवरी ईयर का रिजल्ट देखेंगे उसमें बैंकर्स नियर अबाउट 30-40 बैंकर्स होते हैं, और अगर आप बैंकर्स का एनालाइज करेंगे उसमें SBI के सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखो SBI आपको पता है हाइएस्ट सैलरी है वहाँ पर,
लोगों को चांस मिलता है तो लोग SBI में जाने का सोचते हैं, वैसे ब्रिलियंट भी लोग वहाँ पे जाते हैं, एंड देन वहाँ पे काम का प्रेशर भी है, तो इसके वजह से भी उनको लगता है कि चलो अभी ऐसे जगह जाए यहाँ पे काम कम है। इतना प्रेशर नहीं है, मतलब काम कम है ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक में उतना है, तो इसलिए लोग RBI काफ़ी प्रेफर करते हैं। आप RBI नंबर CBI FSCA PFRDA IRDA ऐसे ऑर्गेनाइज में जाते हैं। तो अगर आपको RBI की तैयारी करनी है तो ये जो प्लान है 50+20 days का, भी कुछ दिन इसके हो चुके हैं, तो वो प्लान मैंने नीचे दे दिया है, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो सिखाने का तरीका है वो 50% फास्टर है, यानी कि इसको फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल कहते हैं, यानी कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव क्लासेस, ऐसे दो फॉर्मेट में अगर आपको सिखाया जाए तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो क्वेरीज है उसका आपको आंसर भी लाइव क्लास में मिल जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं आप यहाँ कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।